तो देखो भाई, कैप्टन के लिए कैसे जुगाड़ कर रखा है, क्योंकि इसको लग रही है गर्मी, है ना कैपो? कूल डाउन। और भाई साहब, मतलब अप्रैल लगने वाला है, और ये देखो नहाने के लिए अभी भी गर्म पानी करना पड़ रहा है, ठंडे पानी से नहाया नहीं जा रहा है। तो अभी मम्मी नहा रही है बाथरूम में, मैं वेट कर रहा हूँ अपनी बारी का, पानी गर्म हो जाए फिर नहा धो के और वीडियो आगे शुरू करेंगे। पहाड़ी जो दादा होते हैं उनके हाथ में कंडाली हमेशा होती है, चार तरह शैतान जो है कंट्रोल कर रखे हैं यहाँ पे, और सबसे बड़ा शैतान ये। हेलो हेलो भाई, नाराज क्यों हो रखा है सुबह सुबह? अरे नाराज क्यों हो रखा है? वाडा ने मारा तुझे? नहीं मारा। मारा तो मेरा बच्चा है ना? नहीं। रुद्र किसका बच्चा है? मेरा। बैठ जा, नजर दया जी लफा रहा कंडा जी झुकड़ का तो पकड़ू, और जगर चोच का लो, ए जगर चोच। हेलो, इसकी कुटाई कर दी ओम पी ने, और ओम पी की कुटाई कर दी दादा ने कंडाली से। चलो 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 चलो। तो दोस्तों, सुबह सुबह नहाना धोना हो गया, पूजा पाठ हो गई है, और अब बारी है नाश्ता करने की। तो ये वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो एक नया दिन और एक और नया ब्लॉग हमारा आज का, तो चलो जी आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू करेंगे। चलो भाई चलो भाई। तो नहाने के बाद एकदम से जो है तेल नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बाल ऐसे हो जाते हैं जैसे बछरी ने चाटक, है ना, लस हो जाते हैं। बात तो कल गेहूं धो धा के रखे हैं, आज पिसाने के लिए देने हैं गेहूं ऐसे। तो मेरे इधर उधर आने जाने से पहले मैं इसको जो है घुमा फिरा के ले आता हूँ, फ्रेश करा के। तो ये देखो भाई, कैप्टन महाराज के लिए क्या जुगाड़ कर रखा है, लोग गर्मी से बचाने के लिए, है ना कैपो? चुप बैठ था। ये देखो, कानो हट। कैपो ले 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 ले, इना 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 चल। तो भाई दोस्तों, बंदर भी आ गए सुबह सुबह, लंगूर सुबह ऊपर गए, बंदर नीचे आ गए हैं,
तो ऐसी ड्यूटी लगी है इनकी, बताओ। ऐसे तो किसी सरकारी कर्मचारियों ने भी नहीं लगानी है ड्यूटी कि एक चला जाए दूसरा आ जाए। और वहाँ पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, वहाँ इतने बंदर आ रखे हैं, और ये सिर्फ बंदर नहीं है, ये इतने अटैकिंग हो रखे हैं कि भाई साहब आदमखोर हो रखे हैं। ये देखो रॉकी भी पेड़ में चली गई। रॉकी चल 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 चलता। ये देखो अखरोट भी आ गए छोटे छोटे, लेकिन जो है बंदर रखेंगे नहीं इनको। तो दोस्तों ये देखो मौसम में मतलब कैसे हवा में धुंध सी दिखाई दे रही है। गर्मियों का टाइम यानी कि पहाड़ों में जंगलों में आग लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी गर्मी भी बढ़ जाती है। और ये देखो कैसे धुंध हो रखी है, नहीं तो मौसम बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम मस्त हो रखा था। आज तीन तीन चार चार जगह जो है आग लगी है, उधर भी लगी है, इधर भी हमारी साइड बैक वहाँ भी लगी है, और ये उधर दिख रही होगी वहाँ पे भी जो है आग लगी है जंगलों में। तो चीड़ के जो पेड़ होते हैं ना, इनसे जो पिरुल गिरता है ना, तो भाई साहब ये जो है आग को कई दूर तक ले जाता है, जंगल पूरे फूंक देता है। तो गाइस आ गए इधर से काम धाम निपटा के अपने कमरे में, और सुकून मिलता है यहाँ पे आके। खाना बन रहा है, नीचे खाना पीना खाएंगे, उसके बाद शाम को चले जाएंगे खेलने के लिए। तो दोस्तों दिन में रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा अब जो है घर वालों ने ड्यूटी लगा दी कि गेहूँ रख के आओ चक्की में। क्या हुआ कैपो? अच्छा उधर डॉग्स आ गए। कैप्टन काइजो के लेकर रखा है ये सारा बंदोबस्त, क्योंकि इधर से रास्ता है, कोई आता जाता है भौंकता रहता है, और यहाँ पे नल लेते किसी को यहाँ पे आने नहीं देता। तो यहाँ टाट लगा रखे ताकि यहाँ से इसको उस साइड ना दिखे, और दिन में हम लोग इस टाट को ना यहाँ डाल लेते हैं ताकि इससे छाया बनी रहे इसके लिए, जैसे कि पहले सुबह वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। तो चलो जी ड्यूटी मेरी कुछ और ही लगा रखी है, उसको निपटाते हैं, फिर खेलने भी तो आना है थोड़ी देर। तो मैं निकल पड़ा हूँ चक्की के लिए, मेरे साथ आ सकती है रॉकी, जिसको कि मैं लेके जाऊँगा नहीं। तो यहाँ से देखिए खूबसूरत नज़ारा हमारे गांव कोलरी का, ये नीचे हमारा गांव कोलरी, इधर है हमारे घर, है ना, हमारे घर गांव से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है रोखाल बाज़ार, ये रहा यहाँ पे सामने ये वाला, और इस साइड आ जाता है बटवाड़ों का इलाका ये सामने। गुड नमस्ते। हाँ को ले आ रहा है छो लाई कहाँ बाटे? अच्छा हाँ बोटी ठीक छे बॉडी दामी जी और ठीक ठाक सब ठीक छे सब बढ़िया दे दिया बॉडी राम राम। पापा इंतजार करना था तुम्हारो पापा है।
तो फ्रेंड्स यहाँ के चाची और चाचा जी ले आए देखो मिठाई। थैंक यू चाची। और ठीक ठाक जाओ तो चाचा और लगातार निरंतर जो है पहाड़ी जंक्शन चैनल से जुड़े हुए हैं और आज जो है सौभाग्य मिल गया उनसे मिलने का है ना। कुछ दिन पहले मिले थे, अभी फिर से मिल गए। बहुत ही मतलब कि हम भाई यो से हमारा जो भतीजी है ना भतीजा इनके जो भी लोग बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। बहुत अपने सुनील भाई पहाड़ी जंक्शन उमर भाजी भी देखता चाहे ठीक है। तो ये है ताचीलाल और यहाँ इस टाइम जो है लोग बिल्कुल कम मिलते हैं, थोड़े बहुत गिने चुने। और उसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ होती है बड़ी शानदार खेती और सब लोग लगे हैं सरसों निकालने पे। तो जब मैं आपको अपने गांव कोली दिखाता हूँ तो आप लोग देखते होंगे बड़े मतलब बहुत ज़्यादा बंजर खेत दिखते हैं और यहाँ जब भी आओ तो चारों तरफ जो है हरियाली दिखती है, लहलाते हरे भरे खेत दिखते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे शादी हुई थी, वो आपने देखा होगा। हालांकि उस शादी को मैं उतना कवर नहीं कर पाया था क्योंकि उस दिन शादी थी हमारे पारस भाई की भी। अच्छा अच्छा चाचा लोगों के साथ बैठ गए, थोड़ी देर गपशप लग गई, बातचीत हो गई। इतनी देर में गेहूँ भी पिस गए और आटा लेके मैं निकल गया हूँ अपने घर के लिए। और दिन क्या होता है कि थैला यहाँ छोड़ना पड़ता है, अगले दिन आना पड़ता है। इस बार जो है बढ़िया हो गया। हाँ तो आज जो है गेहूँ पिस गए तो कल दोबारा आने की झंझट ही नहीं है। पेड़ों से आकर पुराने पत्ते झड़े हैं और नए पत्ते आते हैं, ऐसे रास्ते में थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है नहीं तो पैर फिसल जाता है। तो बांस के सूखे पत्ते गिर रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं क्योंकि ये टाइम है मौलदार का। तो रास्ता गिर लो के लगानी चाहिए क्या करनी चाहिए तो तो फ्रेंड्स चाचा लोगों ने दी है चिज्जी बिस्किट मिठाई, ये अभी दिखाऊंगा तो वो भी हंगामा कर देगा। इसको रख देता हूँ मैं यहाँ छुपा के। उधर से आके हाथ मुँह धो के और आ गए अपने अपने कमरों में। अब चाय आ रही है, चाय पानी पीते हैं मतलब चाय पीते हैं ठीक है। तो कपड़े वगैरह चेंज कर लिए क्योंकि आटा लागे ना कपड़ों पे पूरा आटा आटा लग जाता है और ऐसे में जो है कपड़े बदलना ही ठीक रहता है ना। तो अब जो मैं मिठाई ला रखा हूँ, बिस्किट दिए हैं चाचा चाची ने, वो जो है सक्षम को देता हूँ क्योंकि सक्षम के लिए लाए हैं स्पेशली। तो इस उपहार के लिए बहुत बहुत थैंक यू दिल से। बड़ा आदमी बनूंगा और पैसे कमाऊंगा। और क्या लाएगा पार्टी के लिए? आईफोन कौन लाएगा? मैं लाऊंगा। बाइक कौन लाएगा? पर कार रहते हो फोन रहा दिल्ली। ये आ गई हमारे लिए चाय,